जंगल शुरू हो गया और हम अभी पहुंचे हैं ट्रेलर। आपको मैं बता देता हूँ एक कहानी, इस जगह का नाम ट्रेलर क्यों पड़ा है। जो आपको ये दिख रहा है बेसिकली ये अंग्रेज़ों के टाइम की एक गाड़ी थी, इसमें जो सरकारी वो थी लकड़ियाँ उसको लिया, ये वो गाड़ी थी एंड लोगों ने इसका लोहा इसको ले लिया। और आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, अभी भी थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर बचा है। इस गाड़ी का नाम ट्रेलर था एंड इसीलिए इस जगह का नाम भी ट्रेलर पड़ गया, क्योंकि ये गाड़ी यहीं थी। बट अब ये गाड़ी नहीं है, अब एक सीधा लोहा जैसा है। आपको सकते है, बहुत हाँ आप देखो अंग्रेज़ों के टाइम के था ये, देखो ये सब इसमें। अब तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बट कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। गोल्डी ने हमारे को ज्वाइन कर लिया है, वो हमारे साथ नया फ्रेंड जुड़ चुका है। गोल्डी ने हमारे को ज्वाइन कर लिया है, ये बहुत आगे से डाट लगे गोल्डी। ये देखो इंडियन कल्चर, पहाड़ी कल्चर को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमारा नया फ्रेंड गोल्डी ने हमारे को ज्वाइन किया। ये मेरे चाचू के क्या होता है, कहाँ से आते हैं चैनल को सब्सक्राइब। ये मेरी बहन, ये भी बहन, ये भी बहन, सारी बहन, सारी बहन, थैंक यू। ये देखो अब देखो जंगल शुरू हो चुका है, अब इधर भालू भी हो सकते हैं। डर तो सभी जानवरों का है, बट हमारे पास हथियार है। अंशु भाई हथियार लेके कहाँ गए? अंशु भाई हथियार लेके, ये देखो द्राट लेके, बिल्कुल हम ट्राई तो करेंगे उसको कि नुकसान ना पहुँचाने की, बट अगर वो हमारे ऊपर हमला वगैरह कुछ करेंगे तो अभी हम भी कुछ करेंगे। एंड पर ऐसा कुछ नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं वाला, बहुत मतलब रेयर चांस है कि हमारे को मिले। बस ऐसे नहीं कि मिलेगा, बहुत रेयर चांस है। बहुत दूर जाना है, 50% रास्ता आई थिंक हमने क्रॉस कर दिया है। 50% और बताया, खाना भी बनाना है, खाना भी है, आग भी जलानी है, बहुत कुछ करना है। वीडियो में बने रहो, आपको दिखाएंगे धीरे धीरे सब कुछ। और गाइस जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऐसी जो दीवार है यहाँ पर ये सब कुछ और लग सके, ताकि जो खेत है वो गिरे ना। इसीलिए इनको इकट्ठा किया जाता है, तब इसकी दीवार चुनी जाती है और फिर मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होती है खेत की। और यहाँ भी पहले खेत होता था, बट अभी इतनी प्यारी जगह है, आप देख लो आपको व्यू कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड देखो हम जंगल में पहुंच गए हैं धीरे धीरे, अब तो जंगल और भी घना हो जाएगा। एंड आलसी दोस्त नहीं पहुंचे, वो अभी बहुत पीछे है वो। और गाइस देखो पीछे देखो ना जी, और रोल्टा भाई बहुत पीछे बैठे हुए, अभी बहुत पीछे, आपको दिखाऊंगा मैं, ऐसे बैठे हैं जैसे मर के होने बैठे। एंड जंगल देखो गाइस, गर्ल्स डिपार्टमेंट बहुत पीछे रह गया है। और नहीं है भाई गर्ल्स, सॉरी फॉर गाइस, अब पता नहीं को ले लिया किसने की नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, एंड आपको बताना है कैसे लगी। अगर आप ऐसे ही कुछ अच्छे रिएक्शंस देंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो फर्स्ट टाइम अपलोड होने वाली है, अभी अभी हमारा हम तीनों का स्कूल खत्म हुआ है। एंड थैंक्स फॉर प्रमोटिंग अस इन 12th क्लास, बट तैयारी अच्छी थी, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते कैसी तैयारी हमारी थी, आपको पता ही होगा लड़कों की तैयारी कैसी होती है। एंड देखो व्यू देखो, एक नंबर व्यू जंगल देखो, अब तो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, बट बहन लोग अभी तक नहीं पहुंचे, वो बहुत पीछे रह गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टाइम 12 बज गए हैं एंड हमें घर भी आना है। और परे ये देखो, ये त्रिलोक भैया, रोहित भैया, प्रंशुल भैया, पवन भाई, ये सब हमारे। एंड हाँ, अब यहाँ से हम भरने वाले हैं पानी, क्योंकि यहाँ से पीछे अब हमारे को कोई घर नहीं मिलेगा, ओनली जंगल ही जंगल। पीछे से देखो एक गद्दी कुत्ता आ रहा है, आपको गद्दी कुत्ते के बारे में एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये मतलब लेपर्ड होते हैं मैक्सिमम, तो इधर तो उनसे भी लड़ जाता है, अपनी मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। बस यहाँ देखो मैं और कुलदीप भाई पानी भरने जा रहे हैं, और यहाँ से पीछे अब हमारे को कोई घर नहीं मिलेगा, हमारे को पानी की शायद कमी हो सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ देखो खेत की मेंटेनेंस के लिए
रस्से लाए हैं ताकि उसको बांधेंगे, और ये कुत्ता यहीं आ गया है, शायद हमार को खा ले, ऐसा भी हो सकता है। पानी को यहाँ से ये देखो खोलेंगे और पानी वहाँ पे आके पानी आएगा। यहाँ पे कुलदीप भाई जाए, ये देखो पानी आ रहा है, गाइस बहुत ही ठंडा पानी। इतनी हाइट पे आने पर पानी का टेम्परेचर भी बहुत हो जाता है, पर सर्दियों में तो जम ही जाता है। अभी भी बहुत ही ठंडा हो, गर्मियों के मौसम में भी ठंडा पानी। जैसे जैसे ऊपर हाइट पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे और गाइस ये देखो पीछे खाना खा रहे हैं, और हाँ खाना खा रहे हैं वो जो काम करके आए उन्हें खेत से, क्योंकि उन्हें भी अब भूख लगी होनी, टाइम बहुत हो चुका। ये एक हम सोच रहे हैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए सीरीज वाइज आपको डेली व्लॉग्स तो नहीं बोल सकता, मतलब डेली एक एक वीडियो आप पोस्ट ज़रूर करेंगे। सुस्त लोगों की टोली हमारे से भी आगे पहुंच गई और हम पीछे रह गए, और हमारे से पीछे रोल्टा भाई एंड छोटा भाई रोहित भाई। हमारे बीच एक सब्जी इन्होंने ढूंढ के लाई है, ये मेरे को दो, मैं दिखाता हूँ। एंड आप पहचानते ही होगे इसे, इसको बोलते हैं लिंगड़ा, और एक लिंगड़ी भी होती है वो फीमेल होती है, ये मेल होते हैं। जो लिंगड़ा होता है उसकी सब्जी पहाड़ों में ज़्यादातर बनाई जाती है, और अभी 2-3 महीनों तक ही उगता है, बस उसके बाद नहीं है। और हाँ रोहित भाई कुछ मैसेज दे रहे हैं आपको, आप भी आपको जब मिलती है तो उसे खाएं। एंड कहना है कि इससे जो ये लिंगड़ा है देखो इससे कोरोना भी खत्म होगा। गाइस ये देखो, बस इसको देखने हम इतने दूर चल के आए हैं, एंड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, फिर आपको वहां पे सभी लोगों से मिलाते हैं, एंड कुछ बनाएंगे, पार्टी करेंगे और घर चल जाएंगे।